हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? तो आज बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है इंग्लिश वाली जो चल रही है आपकी जुडिशरी एग्जाम के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 5th एंड 6th फेब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके जुडिशरी अपकमिंग जितने भी हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं आता करंट अफेयर, बाकी ओवरऑल काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं, ये बेसिकली एक हमारी लाइव होती है सुबह, हर रोज हम सुबह 6 बजे लाइव करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर, दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर डेली लाइव होता है ये सुबह 6 बजे। आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए क्योंकि एमपी, यूपी, बिहार काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो सुबह 6 बजे वीडियो होती है ये दोनों ही लैंग्वेज में होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और एक और गुड न्यूज है, कल आपका मॉक टेस्ट होगा आपका, जो कि 10:30 AM पे लाइव होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट है कल आपका, तो उसको भी जरूर एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। और काफी सारे सब्जेक्ट के ऑलरेडी हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करवा चुके हैं, तो इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, एमपी जुडिशरी का जो प्री का एग्जाम है उसकी डेट जल्दी ही अनाउंस होने वाली है, उसी कंटेक्स्ट में हम एमपी जुडिशरी के लिए प्री एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली प्री एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, हिंदी में नहीं होंगे वो मॉक टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। उसके लिए भी अपकमिंग डेज में आपको बता दिया जाएगा कैसे कुछ कहाँ अवेलेबल होंगी वो चीजें, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स। फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल सक्सेसफुली लॉन्च्ड। यूएस बेस्ड स्टार्टअप ब्लू स्विफ्ट एरोस्पेस हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट, द फर्स्ट कमर्शियल बूस्टर रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल। द रॉकेट विच कैन कैरी ए पेलोड ऑफ 8 kgs रीच्ड ए हाइट ऑफ 4000 बिफोर इट पैरासूटेड बैक टू अर्थ। ब्लू स्विफ्ट हैज बीन वर्किंग ऑन स्टारडस्ट 1.0 सिंस 2014। दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट जो कि बायोफ्यूल से चलता है। ये एक जीके स्टैटिक का क्वेश्चन रहने वाला है आपका, फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल जो यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया, ब्लू स्विफ्ट कंपनी है जिनका नाम है ये एरोस्पेस, उन्होंने लॉन्च किया इसको, इसका नाम है स्टार डस्ट 1.0 रॉकेट। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट्स जीडीपी एट 10.5% इन 2021 एंड 2022। ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है एंड हैज डिसाइडेड टू मेंटेन द स्टेटस को ऑन की पॉलिसी रेट्स। जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 10.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 एंड द प्रोजेक्शन ऑफ सीपीआई इन्फ्लेशन हैज बीन रिवाइज्ड टू 5.2% फॉर द 4th quarter ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। और जो अब रेपो रेट है वो है आपका 4% एंड रिवर्स रेपो रेट है 3.35% एंड बैंक रेट आपका 4.25%। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली लॉन्च्ड स्विच दिल्ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली ने लॉन्च किया स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली सीएम लॉन्च द स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अपील टू पीपल टू बाय सच व्हीकल्स टू कॉम्बेट पॉल्यूशन। गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमंग टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन दिल्ली बाय 2024। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है स्विच दिल्ली, जिससे आपको प्रमोट किया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। और दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है वहां के अनिल बैजल। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हेलीकॉप्टर ऑफ आसाम इनॉग्रेटेड इन द मौजली डिस्ट्रिक्ट। आसाम चीफ मिनिस्टर हेलीपोर्ट है ये, हेलीकॉप्टर बोल दिया मैंने, सॉरी। आसाम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ द स्टेट इन मौजुआली डिस्ट्रिक्ट विच हैज द फैसिलिटी फॉर द साइमल्टेनियस लैंडिंग ऑफ 3 helicopters। इट वॉज बिल्ट विद एन एम टू बूस्ट टूरिज्म इन मजोली। मजोली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके स्टैटिक। मजोली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये आपका बेसिकली, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे ये आपका जो आसाम का फर्स्ट हेलीपोर्ट बनाया गया है जहां पे साइमल्टेनियसली 3 helicopters लैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन 6th फेब को सेलिब्रेट किया गया। In 2012, UNGA designated 6th Feb as the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation. UNFPA, UNICEF and the IAC jointly launched the 2021 theme, No Time for Global Inaction, Unite, Fund and Act to End Female Genital Mutilation. Aim,
इसका बेसिकली है टू एम्पलीफाई एंड डायरेक्ट एफर्ट्स ऑन एलिमिनेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि 6 फेब को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हमने ये सेलिब्रेट किया आप कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च इन चंडीगढ़, एन एम्प्यूटी क्लिनिक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया विद एम ऑफ इंप्रूविंग एम्प्यूटेशन पेशेंट केयर बाई प्रोवाइडिंग ए कलेक्शन ऑफ सर्विसेज अंडर वन रूफ विद सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन वॉज लॉन्च इन चंडीगढ़। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई द PGIMER डायरेक्टर जगत राम ने इनको इनॉग्रेट किया। ये एम्प्यूटी क्लिनिक है बेसिकली, जो एम्प्यूटेशन पेशेंट होते हैं उनकी केयर के रिगार्डिंग, उनको सारी सर्विसेज एक ही जगह पे देने के रिगार्डिंग है इसलिए क्लिनिक का पर्पस जो है बेसिकली। और चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल है हरियाणा एंड पंजाब की, बेसिकली ये एक यूनियन टेरिटरी भी है। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर 25 ईयर ओल्ड आयशा अजीज बिकम्स इंडियाज यंगेस्ट फीमेल पायलट। ये सुबह हमने क्वेश्चन पूछा भी था और यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा, जो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आता है और जो यहाँ पे आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। इन 2011 अजीज बिकेम द यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट टू गेट ए लाइसेंस एट द एज ऑफ 15 एंड अंडरवेंट ट्रेनिंग टू फ्लाई अ मिग 29 जेट एट रशिया स्कूल एयरबेस। The following year, she graduated from Bombay Flying Club and obtained license in 2017. She also underwent 2 months space training course at NASA in 2012. तो ये बड़ा important question है आपका, क्योंकि ये आपकी India की youngest female pilot है, जो कि कश्मीर से हैं, जिनका नाम है आयशा अजीज। Next देखते हैं हमारा, India slips 2 places to 53rd spot इन EIU's 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या हाल है आज इंडिया में डेमोक्रेसी का, उस चीज के बारे में है। वहां से इंडिया की पोजीशन डाउन आ चुकी है। दिस वाज ड्यू टू डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग बाय अथॉरिटीज एंड क्रैकडाउन्स ऑन सिविल लिबर्टीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा था, काफी चीजें हैं, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, दिस इज द रीजन। नॉर्वे टुक द लीड इन द रिपोर्ट कॉल्ड डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, followed by Ireland, Sweden, New Zealand and Canada compromising the top 5. India classified as a flawed democracy with 51 other countries. तो आज आपको पता है डेमोक्रेसी के लोकतंत्र का क्या हाल हो रखा है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे हमारी पोजिशन भी उस हिसाब से डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है उसके अंदर हम 53rd स्पॉट पे आ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओके तो यही था कि ये लास्ट में दोबारा से मैं आपको इंटीमेट करना चाह रहा हूँ कि एमपी के लिए प्री एग्जाम मॉक टेस्ट हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, कमिंग सून, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको जल्दी ही इंटीमेट कर दिया जाएगा कैसे आप उनको ले सकते हो, कैसे आप उनको दे सकते हो, बेसिकली कितने मॉक टेस्ट हम उसमें प्रोवाइड करेंगे, क्या कुछ होगा वो जल्दी ही हम अपकमिंग डेज के अंदर आपको रिवील करेंगे। जैसे ही एमपी की डेट थोड़ी सी पास आ जाएगी, टेंटेटिवली बहुत जल्दी आने वाली है, रिलीज होने वाला नोटिफिकेशन, बट जैसे ही थोड़ी सी पास आ जाएगी हम बैक टू बैक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत अच्छा होता है एग्जाम के लिए। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो आज हमने डिस्कस किया बेसिकली, तो ये जो दिया हुआ नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे 9306838861, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी एट ए कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज। मंथली मेंबरशिप है ये 100 रुपए की, बहुत कम है, 100 रुपए आप ऐसे ही नमकीन बिस्किट में ही उड़ा देते हो, तो यहाँ पे यूटिलाइज कीजिए उस अमाउंट को और कुछ पढ़िए और कुछ बनिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय। कल कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट है और सुबह आपकी लाइव क्लास है।